सहारनपुर में अंबाला हाईवे पर प्रवासी मजदूरों का जबरदस्त हंगामा। सहारनपुर के राधा स्वामी सत्संग भवन के शेल्टर हाउस में ठहरे मजदूर घर जाने के लिए हुए बेताब। बिहार जाने के लिए सिर पर साजो सामान रखकर पैदल निकले मजदूरों ने के रोके जाने पर किया बवाल। ट्रक में जाने से रोके जाने पर तोड़फोड़ पर आमादा हुए मजदूर। पुलिस ट्रक जाने की परमिशन नहीं होने की देती रही दुहाई। मजदूरों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के लगाए नारे। प्रवासी मजदूरों के प्रति पुलिस का रवैया बेहतर दिखा। मजदूरों को खाने पीने और बस के इंतजाम का दिया भरोसा। रीवा में जुटे 10,000 से ज्यादा मजदूरों ने किया हंगामा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। ट्रक और पैदल यूपी बिहार जाने से रोके जाने पर बेकाबू हुए मजदूर। हंगामा कर रहे एक मजदूर पर पुलिस ने बेतहाशा बरसाए डंडे। सामने आई तस्वीरें। जबलपुर से श्रमिकों को लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे बस सतना में हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई। 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल। घायल मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद रीवा में संजय गांधी हॉस्पिटल रेफर किया गया। कानपुर में जाटमऊ पुल पर रोके जाने पर मजदूरों ने किया हंगामा। सड़क पर धरना देते हुए जमकर की नारेबाजी। राजकोट के शापार में भारी तादाद में जुटे प्रवासी मजदूर। किया हंगामा। सड़क पर फेंके पत्थर। मजदूरों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पहुंचाई क्षति। कुछ कारों में भी की तोड़फोड़। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर के पास जुटे प्रवासी मजदूर। कल हुए हादसे के बाद योगी सरकार ने ट्रकों में मजदूरों के आने पर लगाई रोक। उत्तर प्रदेश के औरैया में हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हुए हैं। गाजियाबाद इंदिरापुरम के एसओ को सस्पेंड कर दिया गया है। सीओ से जवाब तलब किया गया है। दिल्ली में इंदिरा अस्पताल के 6 और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना मेडिसिन डिपार्टमेंट में आधा स्टाफ होम क्वारंटीन। दिल्ली में शिक्षक की कोरोना से मौत। शकरपुर के एमसीडी स्कूल में राशन बांटने की ड्यूटी में लगा था शिक्षक। रोहतक में पीजीआई के डॉक्टर की पत्नी समेत 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। इनमें सफाई कर्मचारी और एक एम्बुलेंस ड्राइवर भी शामिल। देश में कोरोना का कहर जारी। कोरोना के केस 90,927 तक पहुंचे। देश में कोरोना से अब तक 2,872 लोगों की जा चुकी है जान। 34,109 मरीज हुए स्वस्थ। यूपी में कोरोना के 203 नए मामले। कुल तादाद पहुंची 4200 के पार। अब तक 104 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना केस 4800 के करीब। एक दिन में 195 नए मामले। अब तक करीब 250 मौतें। राजस्थान में 213 नए मामलों के साथ कोरोना केस की तादाद पहुंची करीब 5000। अब तक 125 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। एक दिन में 67 मौतें। 1600 मामलों का जोरदार इजाफा। गुजरात में भी जारी है कोरोना की बढ़त। एक दिन में 1000 नए केस। कुल तादाद 11,000 के पास। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर ठहरे पैदल सफर करने वाले मजदूर। पुलिस ने सभी को जूस के पैकेट बांटे। नागपुर से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी। ट्रकों पर सवार होकर सैकड़ों की तादाद में सफर करते दिखे मजदूर। हरियाणा के पलवल से यूपी के फरुखाबाद ऑटो और साइकिल से निकले मजदूर। कहा फॉर्म भरने के 11 दिन बाद भी नहीं मिला साधन। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में तपती धूप में पैदल सफर कर रहे मजदूरों के एक बिजनेसमैन की मदद। 60,000 रुपए खर्च कर मुहैया कराया साधन। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में प्रवासी मजदूरों की मदद में आ गया है स्थानीय नागरिक। सभी को दिए खाने के पैकेट। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने बैरियर तोड़ते हुए महिला पुलिसकर्मी समेत 2 पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर। घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। आरोपी हिरासत में। अहमदाबाद से यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंची स्पेशल ट्रेन। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को स्टेशन से बाहर आने दिया गया। लुधियाना से पैदल आजमगढ़ जा रहे 78 मजदूरों ने रास्ते में तय किया ट्रक। ड्राइवर ने 15,000 लेने के बाद और पैसे की मांग की। शिकायत पर पुलिस ने शामली में किया गिरफ्तार।
पंजाब में कर्फ्यू हटने के ऐलान से श्रद्धालुओं में खुशी। हरमिंदर साहिब में दर्शन के लिए निकले भक्त। राजस्थान के पाली में लॉकडाउन की बोरे दूर करने के लिए दंपति ने दोबारा एक दूसरे से की शादी। घर में लिए फेरे। दंपति के साथ उनके बच्चे भी हुए शरीक। दिल्ली से पैदल यूपी के जौनपुर सफर करने को मजबूर हुए मजदूर। कहा यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी अब तक नहीं मिला कोई मैसेज। राजस्थान से यूपी के मजदूरों को बस के जरिए भेजा जा रहा था। थर्मल चेकिंग के बाद मजदूरों को बस में मिली एंट्री। अहमदाबाद से पैदल यूपी आ रहे मजदूरों को भरतपुर में पुलिस ने ट्रकों पर बैठाया। ट्रक ड्राइवर ने जबरन मजदूरों को बैठाए जाने का दिया हवाला। गुजरात के महसाणा से 1800 प्रवासी मजदूरों को लेकर अलीगढ़ पहुंची श्रमिक स्पेशल। सैनिटाइज बसों से मजदूरों को उनके गृह जनपद भेजा गया। अमरोहा में मंत्री चेतन चौहान ने किया मोदी योगी रसोई का उद्घाटन। जरूरतमंदों को मुहैया कराया जाएगा भोजन। लॉकडाउन 4 के नियम कायदों का आज होगा ऐलान। आज खत्म हो रही है लॉकडाउन की म्याद। देश के 30 जिलों में लॉकडाउन में सख्ती रहेगी जारी। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में रियायत के नहीं कोई आसार। सूत्रों के मुताबिक तैयार हो चुका है लॉकडाउन 4 का खाका। स्थिति सामान्य बनाने के लिए कई स्तर पर दी जा सकती है छूट। कोई भी राज्य लॉकडाउन को पूरी तरह खत्म करने के पक्ष में नहीं, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में सभी चाहते हैं छूट। लॉकडाउन 4 में स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा हॉल खोलने की नहीं होगी छूट। दुकानों को मिल सकती है छूट। लॉकडाउन 4 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर लोकल ट्रेन, बस और मेट्रो सेवा हो सकती है बहाल। रेड जोन में सीमित यात्री संख्या के साथ ऑटो टैक्सी सेवा की दी जा सकती है छूट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और अनुराग ठाकुर ने आज राहत पैकेज के पांचवें और अंतिम चरण की दी जानकारी। मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का ऐलान। निर्मला सीतारमन के मुताबिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का गरीब मजदूर को मिल रहा लाभ। कुल 20 करोड़ जनधन खाते में 10,225 करोड़ रुपए डाले गए। निर्मला सीतारमन ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर किया हमला। मजदूरों को रोककर बात करने का वक्त नहीं। कांग्रेस सरकारें और ट्रेड केंद्र से लेकर प्रवासियों को घर जाने में मदद करेगी।